नमस्कार, घर संसार में आपका स्वागत है। ये मैंने आलू लिए हैं, पालक, प्याज, टमाटर और अदरक, हरा धनिया, नमक, गरम मसाला, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, सब्जी मसाला, जीरा, ये मैंने पेस्ट बना लिया है प्याज का और लहसुन का, और इधर मैंने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने ये चौथाई चम्मच हल्दी डाली है, एक चम्मच धनिया और लाल मिर्च चौथाई चम्मच। अब देखिए, मैं कुकर में थोड़ा सा तेल डालकर तेल को गर्म होने के लिए रखूँगी। मैंने एक चम्मच तेल डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना डालें उतना सही है। और सब्जी मसाला और गरम मसाला में जब मसाला भुनेगा तब डालूंगी। देखिए, मैंने मसाले डालकर ढककर इसे भून रही हूँ। ढकने से जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर नहीं निकलता, नहीं तो वो बाहर निकल जाता है और सारे हमारे जो किचन के चारों तरफ उड़ता है, जिससे कि जमने लगते हैं किचन में। देखिए, मेरा मसाला भुन रहा है और तेल भी छोड़ दिया है उसने। अब इसमें मैं टमाटर की क्यूरी जो बनाई थी वो डालूंगी। और देखिए, मैंने सब्जी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, सब्जी मसाला आधा चम्मच लिया था, गरम मसाला मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है जितना आपको पसंद हो। और ये मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, जिससे कि पालक जो है वो कलर चेंज नहीं करता, वो ग्रीन का ग्रीन बना रहता है। पालक मैंने 100 ग्राम लिया था। देखिए, मेरा मसाला भुन रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक डाल के इसको मसाले को और भूनेंगे। मैंने थोड़ा नमक डाला है, फिर मैं बाद में और डालूंगी। देखिए, मसाला भी मेरा भुन गया है। अब मैं इसमें पालक डालकर पालक भी अच्छी तरह भूनूंगी, नहीं तो इसमें कच्चे की स्मेल आती है। आप पालक डालकर कम से कम 2 मिनट तक भूने। देखिए, मेरा पालक भुन रहा है। और फिर अब मैंने इसमें आलू डाल दिया। मैं आलू और पालक डालकर भी इसे भूनूंगी। जब ये पालक भुन जाएगा तो अपने आप ही इसमें तेल छोड़ने लगता है। अब देखिए, मैंने नमक डाला है। देखिए, मेरा पालक और आलू अलग भुनने लगे हैं, इसका मतलब ये भुनने लगा है। देखिए, ऊपर ऑयल भी आ रहा है इसमें। देखिए, इसमें स्मेल नहीं आती अगर आप ज़्यादा भून लेते हैं तो। अब मैं इसमें, आप अपने अनुसार पानी डालें जितना आपको पसंद हो। मैं इसमें 3 बाउल पानी डालूंगी, आप अपने अनुसार जितना आपको पसंद हो उतना डालें। ग्रेवी गाढ़ी पसंद हो तो गाढ़ा बनाएं। देखिए, 2 में अभी मुझे लग रहा है कि शायद ज़रूरत है थोड़ी सी, इसलिए मैं एक और डालूंगी। और आप जब बनाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं इसमें 2 सीटी बजाऊंगी। देखिए, तैयार है मेरे आलू पालक की सब्जी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।